भानु भानु हॉस्पिटल बगला मंडी, ये 52 साल की महिला है। आज इसके हमने पित्त के पथरी का ऑपरेशन किया है। इनके 2 महीना पहले दूरबीन विधि द्वारा बच्चेदानी को निकाला गया है किसी और अस्पताल में। तो इसमें तो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि एक ही ऑपरेशन के दौरान ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती थी। अब 2 महीने बाद इस महिला को फिर से ऑपरेशन के लिए आना पड़ा। इसमें देखिए, पिछली बार जो है यहाँ से दूरबीन घुसाई गई थी, कैमरा जो था, और ये और ये और एक ये छेद, ये इन 4 छेदों से बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है। ये इनकी बच्चा बंदी का ऑपरेशन जो 20 साल पहले हुआ था। तो अभी हमने क्या किया, इसी छेद को इस्तेमाल करते हुए हमने दूरबीन यहाँ से डाली और ये 2 और छेद किए हैं जिसके द्वारा हमने पूरी पित्त की थैली इनके निकाली है। तो मेरा कहने का यही मतलब है, तो ये देखिए, ये है इनकी पित्त की थैली जो हमने निकाली है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे थी, तो जिसको हमने इन 2 छेदों और इस दूरबीन से निकाला। इसको हम थ्री पोर्ट लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टिन कहते हैं। चौथे छेद की आजकल जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड एक्चुअली मेरे कहने का ये मतलब है कि ये दोनों जो ऑपरेशन है, पित्त की थैली और बच्चेदानी, ये दोनों एक साथ में इकट्ठे हो सकते थे। मेरी वीडियोस में आपने देखा, मैं लिंक भी डालूंगा उसमें, ये दोनों ऑपरेशन हम एक साथ कैसे करते हैं। इसमें एक देहोशी में एक ही एडमिशन के टाइम ये सब हो सकता है। तो अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या शल्य चिकित्सक हैं उनसे एक बार पक्का डिस्कस करें कि क्या ये दोनों एक साथ होना संभव है। और ये बिल्कुल संभव है, हम रूटीन में करते हैं। आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, उसमें हमने काफी सारे पेशेंट का ये डाला है। थैंक यू वेरी मच।